अमित शाह मौजूद हैं, वहां वो वोट डालने पहुंचेंगे। उसके बाद अमित शाह को भी वोट डालने जाना है नारायणपुरा में। ये तस्वीरें वहां बूथ पर इंतजार की, जहां प्रधानमंत्री की गाड़ी पहुंचने वाली है। इतने में जल्दी से हम कोशिश करते हैं बिहार एक बार अगर बात हो सके। चंद्रमोहन, मेरी आवाज मिल रही है? चंद्रमोहन तक की आवाज। किशोर जी हमारे साथ मौजूद है, मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू जी ये बताइए, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सामने में आपके शरद यादव हैं, कड़ी टक्कर है, क्या आशा और उम्मीद है? अब आपको कौन सा कड़ी टक्कर कहाँ लगता है, वो तो चलिए जनता तय करती है, भगवान है वो मालिक है। पहले भी शरद यादव को नीतीश कुमार यहाँ चुनाव हराने के लिए, जिताने के लिए आते थे 15 दिन, अगले बार भी जिताने आए थे। नरेंद्र मोदी जी का तूफान चल रहा था उस वक्त भी, पप्पू यादव, रंजीत रंजन जी, वो वोट पप्पू यादव जी को मिलता है जो वोट हार्डकोर हो जाते हैं कहीं, यहाँ आरएसएस भी पप्पू यादव हो जाते हैं, आप इस बात को जानिए। आरएसएस के लोग की लैकिंग भी कहता है कि वो पप्पू यादव, हर कास्ट कौम कहता है पप्पू यादव, जिसको आप कास्ट कहते हैं मैं उसको अपना परिवार समझता हूँ। मेरा रिलेशन नेक टू नेक है, रिश्ता फैमिली जो एक रिलेशन होता है। कोसी सीमांचल का मतलब है एक परिवार, एक बेटा, एक आंगन, एक माँ का रिश्ता, एक पिता का रिश्ता, एक भाई का रिश्ता, एक उम्मीद, एक सपना, एक विश्वास। पिछली बार आप आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे, क्या वो वोट आपके साथ है, क्योंकि आपके खिलाफ शरद यादव यहाँ से चुनाव मैदान में है? समझ में नहीं आता आप किसको किसका वोट मानते हैं। यहाँ पर 20 लाख 40 लाख जो वोट है वो कॉमन, आप लालू यादव जी यहाँ चुनाव लड़े 30,000 और 21,000 से चुनाव जीते, हम 15 साल यहाँ से किसी एक केस के चलते आउट थे, इन लोगों ने बड़ी साजिश की, लगातार साजिश पप्पू यादव के खिलाफ, यही शक्ति तो करते ही। और लालू यादव जी 2 बार चुनाव यहाँ पर खड़े हुए, चुनाव हार गए, 1 बार उनकी पार्टी 3 बार हार गई। 15 साल के बाद पप्पू यादव जब आए, नरेंद्र मोदी जी की तूफान चल रही थी, तो सभी जाति धर्म मजहब के लोगों ने और युवाओं ने किस तरीके से जुनून पैदा करके वोट दिया, जिसका नतीजा हुआ कि पूरी दुनिया वो जीते, बिहार में परिवार हारी, सब लोग हारे, लेकिन यहाँ कोसी का बेटा बेटी जो सबके घर की है वो यहाँ पर चुनाव जीतते हैं, और लालू यादव जी यहाँ से 15 साल तक चुनाव हारते हैं। इसलिए आपको यह कहना किसी की वोट, किसी का परंपरागत वोट, ये वोट कंप्लीट रूप से सामाजिक न्याय का, एक संघर्षों का वोट है। यह धरती कही जाती है परिवर्तन की। बार बार आपको बार बार यह कहा जा रहा था आरजेडी के तरफ से, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह संदेश भी आपको दिया था कि आप वहां से शरद यादव के खिलाफ चुनाव न लड़ें, क्योंकि आपकी पत्नी जो सुपौल से चुनाव लड़ रही हैं उनको उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, और वहां से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार भी दिया है। तो